विथ टाइमिंग यानी इसका करंट टेढ़ी है और टेढ़ी है तो सीधी कैसे करना है वो हम आपको आइडिया बताते हैं। कभी टेढ़ी हो तो कैसे सीधी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला सिरा ये है, ये इसको आप अगर देखते हैं तो ये खुद भी यानी ऊपर नीचे हो रहा है। चलाइए भी थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक। अब हमको ये देखना है कि यानी ऊपर कहाँ जा रहा है, नीचे कहाँ जा रहा है, तो हमको सही करना है। आप हथौड़ा दीजिए। अच्छा एक यहाँ पर यानी ऊपर को जा रहा है, तो इसको हमको यहाँ पर नीचे करना है इस तरीके से। एक्शन भी दीजिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ये नीचे, ठीक। तो हमको ये वाला जो ऊपर को जा रहा है इसको यानी नीचे को मारना है, बस इस तरीके से करना है, इसको नीचे को मारना है यहाँ पर, ठीक। कोई एक्शन ले करके तब मारेंगे, तब यानी बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। चलाइए देखो सीधी आ गई है। लगाइए। अरे बहुत मामूली की है, ठीक है। हल्की से खोल ले और लगाइए। अरे मैं ना फसे मदद तो अच्छी बस Thank you.
सही है मेरे हिसाब से। बांध के देखो उसका ट्रक से। आप बांध लो ये है लंबा। मेरे मित्र देखिए भैया जरा किक लाइए धीरे धीरे। अब आप किक लाइए जरा एक बार देखिए कैसे चल रही है। ठीक है बिल्कुल सीधी है। हाँ आप चलाइए भैया जोर से चलाइए बिल्कुल सीधी है। अब आप समझिए कुछ वैसा कुछ नहीं सर एक्सल हथौड़ी से सीधे किया गया और इस तरीके सीधा हो गया। ठीक है और नहीं तो क्या होता है कि इसके लिए ये किया इंजन पूरा खोलने जा रहे हैं लेकिन हमने कहा कि आप छोड़िए हम बता दे रहे हैं और इस तरीके से ये सीधा हो गया। तो जब कभी भी आपका ये कभी भी यानी क्रैंक टेढ़ी हो जाए तो जैसे हमने आपको ये तरीका बताया आपके सामने ठोक ठोक के कर रहे थे इसी प्रकार से आपको करना और 100% सही हो जाएगा। मेरे मित्र तो छोटी सी जानकारी थी बताना चाहे वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करो कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।